नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। मैं हूं मोन सुथार। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो इनकम टैक्स TDS की जो नई सेक्शन है 194R, अगर हम किसी कस्टमर को एज ए इंसेंटिव के रूप में कोई गिफ्ट देते हैं तो उसके ऊपर हमें TDS डिडक्ट करना होगा। और ये जो TDS की जो नई सेक्शन है 194R, वो 1 जुलाई 2022 से एप्लीकेबल हो चुकी है। तो दोस्तों, उस टाइप की TDS की एंट्री को हम टैली सॉफ्टवेयर में किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से कस्टमर को अगर हमने थर्ड पार्टी से गिफ्ट दिलवाया है तो उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी पड़ेगी, कौन कौन से फीचर्स हमें टैली सॉफ्टवेयर में इनेबल करने पड़ेंगे ताकि TDS की जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप प्रॉपर सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पाओगे। क्योंकि कुछ एक फीचर्स ऐसे होते हैं जो हमें सही तरीके से इनेबल करने होते हैं, अगर हम उसको इनेबल ही नहीं करेंगे तो हो सकता है हमारा TDS की जो ऑटोमेटिक डिडक्शन है वो सही तरीके से टैली सॉफ्टवेयर ना कर पाए और जो हमारी TDS की रिपोर्ट है वो प्रॉपर सही तरीके से ना बन पाए। तो सारी बातें इस वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल तरीके से करके बताने वाला हूँ। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर हिट कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको इसी टाइप की नॉलेजेबल और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो कंटिन्यू मिलती रहेगी। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के चैप्टर को। तो दोस्तों, सबसे पहले हम एक बार छोटा सा इस सेक्शन का रिव्यू हम कर लेते हैं, उसके बाद हम टैली सॉफ्टवेयर पे सारे लेजर और कौन कौन से ऑप्शन को हमें इनेबल करने वो सारी बातें सीखेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो के थंबनेल में देखा, हमने इस वीडियो के थंबनेल दिया भी कोई भी एक हमारा कस्टमर है, जैसे कि हम टैली सॉफ्टवेयर को भी साथ में एक ओपन कर लेते हैं और हम डेब्टर की लिस्ट पे चलते हैं। जैसा कि मान लीजिए हमारे पास एक ये कस्टमर है राजा सिंह, और इस कस्टमर को हमने गिफ्ट कुछ है जो देना है। तो दोस्तों, अब होता क्या है भी, अब मान लीजिए जैसा कि इस कस्टमर ने हमारे से 196,283 रुपये का, यानी कि 284 रुपये का सामान इसने खरीदा है, तो मान लीजिए हमने इसको कुछ हमारी एज ए कंडीशन के अकॉर्डिंग इसके साथ कुछ ऐसी टर्म्स रही होगी भी, हम अगर आप हमारे से इतने रुपये का अगर सामान लेते हो तो हम आपको इतने रुपये का इंसेंटिव देंगे। हम फॉर एग्जांपल इसी लेजर के ऊपर चलते हैं। अब मान लीजिए इस कस्टमर को हमने किसी थर्ड पार्टी से लैपटॉप गिफ्ट करवा दिया, यानी कि गिफ्ट तो हमने पे किया है लेकिन वो डायरेक्ट हमने किसी कंपनी से उसको बोला भी आप उस शॉप पे चले जाओ या उस कंपनी पे चले जाओ, वहाँ से आप जो लैपटॉप आपने हमने जो देना है आपकी जो हमारी टर्म एंड कंडीशन थी वो आप लैपटॉप वहाँ से ले सकते हो। तो अब मान लीजिए कोई एक ऐसी है ABC कंपनी दुकान है, ये शॉप है, और इसने हमारा जो कस्टमर है इसको लैपटॉप दे दिया, किसके कहने पे, हमारे कहने पे। अब ये ABC जो कंपनी है इसको पैसा हमें पे करना है। अब अमाउंट वो 80,000 रुपये की हो सकती है, 90,000 रुपये की, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम ये मान के चलते हैं भी हमने एक 80,000 रुपये का इनको ये गिफ्ट है जो दिया है। तो अब इस 80,000 रुपये की जो हमने गिफ्ट दिलवाया है, यानी कि हमने इसको कोई कैश नहीं दिया, हमने इस कंपनी को बोल दिया भी आप इस कस्टमर को बोला भी आप इस कंपनी के शोरूम पे चले जाओ और वहाँ से ये आप अपना लैपटॉप ले लो, उसके बाद जो पेमेंट हमें करनी है वो ABC को हम ऑटोमेटिक कर देंगे। तो इस टाइप के जो ये 194R है वो यहाँ पर ये सेक्शन है जो लागू हो जाता है। तो अब हम चलते हैं टैली सॉफ्टवेयर पे और हमें कौन कौन से लेजर क्रिएट करने और ऑप्शन को किस तरीके से इनेबल करने हैं। तो दोस्तों, ये मैटर आ जाता है हमारा TDS का। तो सबसे पहले हमें टैली सॉफ्टवेयर में TDS टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जाके ऑन करना पड़ेगा। तो टैक्सेशन को ऑन करने के लिए TDS को कंपनी पे जाएंगे या आप शॉर्टकट F11 यानी कि F11 प्रेस कर सकते हो। तो ये हमारा टैक्सेशन का जो हमारा चैप्टर है और इसके अंदर हमारा ये TDS का जो ऑप्शन है इसको हम इनेबल करेंगे। जैसे हम इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद में जो हमारी कंपनी का 10 नंबर है जो हमारा रजिस्टर्ड है, तो उस 10 नंबर को हम यहाँ पर डाल देंगे। देन उसके बाद में डिडक्टर टाइप है, जो आपकी कंपनी है वो आप एज ए कंपनी में हो या एज ए इंडिविजुअल हो, किस टाइप की कैटेगरी के अंदर आती हो, तो वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद में ये सारी डिटेल्स आपको यस करनी पड़ेगी। आप कुछ जिस तरह से मैं कर रहा हूँ आप इस तरीके से आप इसको कर सकते हो और एंटर प्रेस करके आप इसको एक्सेप्ट मैंने कर दिया। अब जो हमने कस्टमर को ये जो लैपटॉप दिलवाया है तो ये हमारी कंपनी के लिए एज हम इसको मान सकते हैं भी बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस हमारा कंपनी का हो गया। अब गिफ्ट के रूप में मोबाइल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए हमने ये एज ए गिफ्ट उसको पे किया भी, इसने हमारे बिजनेस का
प्रमोशन किया हमारे प्रोडक्ट को, इसने खरीदा है, आगे कस्टमरों तक इसको पहुंचाया है, तो ये इसने हमारी कंपनी की ब्रांडिंग करी है। तो इसके लिए हमें एक अलग से लेज़र यहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्रिएट पर जाएंगे और लेज़र पर जाएंगे। तो यहाँ पर हमने एक लेज़र बना लेते हैं बिजनेस प्रमोशनल एक्सपेंसेस का, बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस, और ये हमारे लिए का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और इसके ऊपर जीएसटी तो हम करेंगे नॉट एप्लीकेबल, और देन टीडीएस को यहाँ से करेंगे एप्लीकेबल। तो जैसे हम टीडीएस को एप्लीकेबल करेंगे तो यहाँ से हमारे से ये पूछेगा नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट क्या रहेगी। तो हमें यहाँ पर एक नेचर ऑफ पेमेंट भी साथ के साथ क्रिएट कर लेंगे, अदरवाइज आप पहले भी क्रिएट करके रख सकते हो। तो जैसा कि मैं यहाँ से क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पर हम यहाँ लिख देंगे इसका जो सेक्शन का नाम है हमारा 194R, जो हमारी सेक्शन है बी टीडीएस ऑन गिफ्ट एक्सपेंसेस टाइप का हमने के नाम क्रिएट कर दिया, और जो इसका सेक्शन है वो रहने वाला 194R, और पेमेंट कोड रहेगा 94R का। और उसके बाद के अंदर जो रेट ऑफ इंडिविजुअल का रहने वाला है, किस कंडीशन में यानी कि कितने परसेंट इसका टीडीएस है जो विद पेन की कंडीशन में कटेगा और विदाउट पेन की कंडीशन में कितना कटने वाला है। तो इस कंडीशन में जो रेट ऑफ इंडिविजुअल है विद पेन के साथ हमारा कटेगा ये 10%। और देन इसके बाद में इसकी दो एग्जेम्पशंस लिमिट है वो 20,000 रुपये अभी तक फिक्स की हुई है, तो यहाँ पर हम इस लिमिट को कर देंगे 20,000 रुपये, एक्सेप्ट करेंगे। देन उसके बाद हम इसको करेंगे नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो हो गया हमारा बिजनेस का जो खर्चा है एज ए बिजनेस प्रमोशनल के लिए हमने एक्सपेंसेस किया है। और उसके बाद में जो कंपनी है, जिस कंपनी से हमने इस कस्टमर को सामान दिलवाया, जैसे कि एबीसी कंपनी है, तो हम एक एबीसी कंपनी का भी लेज़र यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो अब ये हमारे लिए एक लायबिलिटी बन चुकी है, तो हम इसको रख देंगे करंट लायबिलिटीज़ में। और इसके बाद में ये पूछेगा इस पार्टी का आपको टीडीएस काटना है, तो अब हमें टीडीएस जो डिडक्ट करना है वो उस कस्टमर का करना है, न कि उस कंपनी का करना है। तो हम टीडीएस इस ऑप्शन को रखेंगे नो, और कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर देंगे। और उसके बाद में जो हमारा कस्टमर है, जिस कस्टमर को हमने ये गिफ्ट दिलवाया है, उसका लेज़र हमें अल्टर कर लेना है। जैसे कि हमारे कस्टमर है, और कस्टमर का नाम हमारा था, एक बार बैलेंस शीट पर जाके आपको मैं वेरीफाई करवा देता हूँ। जैसा कि ये कस्टमर है राजा सिंह, क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट इसी की है, तो इस कस्टमर का नाम हम एल्टर पे जाएंगे, लेजर पे जाएंगे और राजा सिंह, और देन ये कस्टमर हमारा सैंडी डेप्टर में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ये रहेगा इज टीडीएस डिडक्टेबल, तो स्टेचरी रिपोर्ट में ये जो टीडीएस है, अब इस कस्टमर का हमें टीडीएस है जो डिडक्ट करना है, तो इस कंडीशन में इसको करेंगे यस। और जैसे हम इसको यस करेंगे तो ये डिडक्टिव पूछ लेगा ये डिडक्टिव किस टाइप का है, तो ये हमारा रहने वाला है इंडिविजुअल रेजिडेंस में। और देन उसके बाद में डिडक्ट टीडीएस इन सेम वाउचर, इसको हम यस रखेंगे। और उसके बाद में जो अभी हमने एक यहाँ पर नेचर ऑफ पेमेंट की जो क्लास हमने क्रिएट करी थी 194 टीडीएस ऑन गिफ्ट एक्सपेंसेस ऐसा कुछ करके, इसको हम यहाँ से डाल देंगे, एंड ऑफ लिस्ट करेंगे। और यूज एडवांस टीडीएस एंट्रीज को अगर हम यस करेंगे तो उसके बाद में इग्नोर सरचार्ज एग्जम्पशन लिमिट को हम नो रखेंगे, और देन उसके बाद यहाँ से हम करेंगे इग्नोर इनकम टैक्स एग्जम्पशन एप्लीकेबल, और इसके बाद 194 एंटर प्रेस करते हुए हम इसको रखेंगे एक्सेप्ट। अब आपको एक बात में ध्यान रखना, यहाँ पर उस कस्टमर का पेन नंबर देना कंपलसरी है, जैसा कि हम यहाँ पर पेन नंबर दे देते हैं। अब ये कस्टमर आपका रजिस्टर्ड भी हो सकता है, अनरजिस्टर्ड भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है। इंटरप्रेस करके हम इसको करेंगे एक्सेप्ट। तो इस तरीके से हमने कुछ टीडीएस का पैरामीटर सेट किया और कुछ हमने लेजर क्रिएट किए। अब सबसे पहले बात हम करेंगे भी जो हमने एबीसी कंपनी से 80,000 रुपये का कस्टमर को जो गिफ्ट दिलवाया 80,000 रुपये का, उसकी एंट्री हमें टैली सॉफ्टवेयर में पास करनी है। एंट्री पास करेंगे, और जनरल वाउचर में एंट्री हमें पास करनी है। तो जनरल वाउचर में एंट्री में पास करने के लिए क्या करेंगे, एक बार जो राजा सिंह का जो कस्टमर है जिसको हमें गिफ्ट पे करना है उसके खाते को हम डेबिट कर देंगे। अलग अलग टाइप से अलग अलग टाइप की एंट्री हो सकती है, मैं आपको सारी टाइप की एंट्री इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फर्स्ट एंट्री हम करके देखते हैं कि कस्टमर को हमने किया 80,000 रुपये से डेबिट, और इसको हमने कर दिया ऑन अकाउंट, और उसके बाद में एबीसी कंपनी को हमने कर दिया क्रेडिट, क्योंकि वो 80,000 रुपये का जो गिफ्ट था वो एबीसी कंपनी की हमने ही इसको दिलवाया है। तो यहाँ पर हमने जो भी गिफ्ट दिलवाया है, मान लीजिए जैसा कि मैंने यहाँ पे दिलवा दिया लैपटॉप गिफ्ट फॉर जो भी हमारा टारगेट स्कीम जो भी थी मैंने वो उसके अगेंस्ट में ये हमने दिया, और एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो इस तरीके से ये एक हमारी जर्नल एंट्री पास हो जाएगी।
अब उसके बाद में क्या हुआ, अब जैसे हम एक बार राजा सिंह का लेजर हम ओपन करते हैं तो ये 80,000 रुपये इस राजा सिंह के अकाउंट में और डेबिट हो गए, जबकि हमें ये पैसा इसको कोई देना नहीं है न इसे कोई लेना है। तो हमने तो इसको एज ए बिजनेस प्रमोशनल के लिए इसको गिफ्ट पे किया है। तो अब यहाँ पर अगर इसकी एंट्री करेंगे तो ये 80,000 रुपये इसके डेबिट बोलेंगे। तो अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इस कुछ अमाउंट इसके हमें क्रेडिट भी करनी पड़ेगी। लेकिन अब क्रेडिट हमें गिफ्ट कितने का दिलवाया है, 80,000 रुपये का। लेकिन अब हमारी यहाँ पर लाइबिलिटी बनती है कंपनी की भी, हम इसके ऊपर 10% के असर इसका TDS डिडक्ट करेंगे, और TDS डिडक्ट करने के बाद में इसके अमाउंट है जो जमा करेंगे। उसकी एंट्री हमें किस तरीके से करनी है, उसके लिए वापस फिर हम जर्नल वाउचर पर जाएंगे, और जर्नल वाउचर पर जाने के बाद जो हमने एक लेजर क्रिएट किया था बिजनेस प्रमोशन एक्सपेंसेस का, ये वाला, ये हमने एक लेजर क्रिएट किया था इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और इसको हमने TDS को नोट TDS को एप्लीकेबल किया था और GST को नॉट एप्लीकेबल किया था। तो हम उस जो हमारे बिजनेस का खर्चा वो एक्चुअल में 80,000 ही है। हम बिजनेस एक्सपेंसेस को 80,000 रुपये से डेबिट करेंगे और यहाँ पर हम राजा सिंह कस्टमर को क्रेडिट करेंगे। अब देख रहे हो जैसे हमने राजा सिंह को क्रेडिट किया इसकी अमाउंट ऑटोमेटिक क्रेडिट हो गया 72,000 रुपये। इसका जो TDS है 8,000 रुपये का वो ऑटोमेटिक डिडक्ट हो गया। अब ये 8,000 रुपये की अमाउंट जाएगी कहाँ पे, यहाँ पर हम इसके करेंगे 72,000 क्रेडिट। और अब हमें यहाँ पर एक लेज़र और क्रिएट करना पड़ेगा TDS का। हम इस यहाँ पर एक लेज़र क्रिएट कर लेंगे TDS ऑन गिफ्ट एक्सपेंसेस 194R सेक्शन के एक्ट में। तो अब ये हमारे भी लिए एक लाइबिलिटी बन चुकी है क्योंकि हमने कस्टमर से TDS डिडक्ट कर लिया है, तो हमें गवर्नमेंट को डिपॉजिट करवाना है। तो इसका हम ग्रुप रखेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में, और उसके बाद में यहाँ पर टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में सेलेक्ट करेंगे TDS को। और उसके बाद में जैसे हम TDS को सिलेक्ट करेंगे तो जो हमने नेचर ऑफ पेमेंट की क्लास क्रिएट करी थी 194 TDS ऑन गिफ्ट एक्सपेंसेस वाला, उसको हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और ये 8,000 रुपये इसके अकाउंट में TDS वाले लेजर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम इसका नरेशन लिख सकते हैं भी TDS अमाउंट जो डिडक्ट करके हमने इसको पेमेंट एक्सेप्ट कर देंगे। अब उसके बाद हम राजा सिंह का कस्टमर का एक बार लेजर हम ओपन कर लेते हैं। डिस्प्ले पर जाएंगे, अकाउंट्स बुक पर जाएंगे, लेजर पर जाएंगे, राजा सिंह को सिलेक्ट किया। देन उसके बाद आप देखोगे भी ये जो 80,000 रुपये हमने इसको खाते में डेबिट किया था तो उसके अगेंस्ट में ये 72,000 हमने इसको 72,000 रुपये क्रेडिट भी कर दिया। लेकिन ये 8,000 रुपये इसके खाते में डेबिट रहेगा क्योंकि इसको ये पैसा गवर्नमेंट से क्लेम मिल जाएगा अगर ये अपना ITR फाइल करता है तो। उसके बाद में हम बैलेंस शीट पर चलते हैं। तो जैसे हम बैलेंस शीट पर जाएंगे और उसके बाद में जो हमने अभी एक लाइबिलिटी हमारी क्रिएट हुई थी TDS के रूप में, तो ये देख सकते हो ऊपर वाली जो अमाउंट है वो SGT और CGST टैक्स की है, और उसके बाद में TDS ऑन गिफ्ट एक्सपेंसेस वाली ये हमारी 8,000 रुपये की ये भी लाइबिलिटी जब बन चुकी है। और उसके बाद में हम ABC कंपनी का जो हमने लेज़र क्रिएट किया था, अब इस ये भी हमारी एक लाइबिलिटी अभी भी बनी हुई है क्योंकि इसको पेमेंट अभी हमें करनी है। तो जैसे हम इस पेमेंट पार्टी को ABC को पार्टी को हम पेमेंट कर देंगे तो पेमेंट वाउचर पर हम जाएंगे, देन हम ABC पार्टी को सिलेक्ट करेंगे 80,000 रुपये क्योंकि इसको तो पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। और देन हम जिस लेज़र से भी बैंक से हमने पेमेंट करी है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक लेज़र क्रिएट कर लिया SBI बैंक का और बैंक अकाउंट के अंडर में रख लिया, देन उसके बाद में 80,000 रुपये बैंक से हमने इसको पैसा जो दे दिया। तो अब ये ABC कंपनी का जो लेज़र है इसका हिसाब हमारा कंप्लीट हो चुका है। 80,000 रुपये कस्टमर को जो गिफ्ट दिलवाया था वो, और डेबिट जो किया जो हमने पेमेंट करी है वो अमाउंट। और उसके बाद में जब हम TDS की रिपोर्ट को जाके देखेंगे तो डिस्प्ले पर हम जाएंगे, स्ट्रेचरी रिपोर्ट पर हम जाएंगे, देन हम TDS रिपोर्ट को अगर हम देखेंगे तो ये फॉर्म 26Q अगर हम देखेंगे तो फॉर्म 26Q के अंदर आपको ये सारी की सारी डिटेल आपको दिखाई देगी कि TDS एज ए नॉर्मल रेट, हायर रेट पे हमने काटा नहीं किया क्योंकि कस्टमर के पास ऑलरेडी पैन नंबर था। तो ये आपके पास असेसेबल वैल्यू रहेगी 80,000 रुपये, और उसके ऊपर आपने 8,000 रुपये का TDS है जो डिडक्ट कर लिए। तो ये इस तरीके से आपका जो फॉर्म है 26Q वो टेली सॉफ्टवेयर में रेडी भी हो जाएगा। तो आप एक तरीका तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो ताकि आपको प्रॉपर रिकॉर्ड रहे भी आपने किस किस कंपनी से क्या क्या कुछ दिलवाया है। तो